जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाना। मानु फोसियस है बहुत भूल करिलो अनि तार पर गय पले एते बाल एते बाल असले सकते हैं 2000 का लिपस्टिक स्टिकर मेरा घर जाएगा। Hey everyone, welcome and welcome back to my channel. This is Ready Poonam from Assam. Namaskar, Kumrak Sadam. So guys, बहुत दिनों से मैंने vlog नहीं बनाया. I know guys, मैं बहुत ज़्यादा मतलब lazy हो गई हूँ vlog डालने के लिए. So I'm so sorry for that. Actually, जो जो vlog बनाते हैं उन लोग को ही पता है मतलब आज क्या vlog डालूँ, क्या content लगाऊँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, वो सभी मतलब दिमाग में चलते रहते हैं. मतलब ऐसे ही नॉर्मल वाला vlog भी बनाने का मन नहीं करता है, बट स्टिल बनाना ही पड़ता है. एक्चुअली मैं कमेंट्स भी पढ़ रही थी, सब लोग मुझे बोल रहे थे कि राइड पे कब जाओगे, राइड पे कब जाओगे, पूनम बा राइड के दिया जावा, राइड वीडियो लगे. सो ओके, सो मैं सोच रही कि मैं राइड पे जाऊंगी, मैं जल्दी ही राइड पे जा रही हूँ. एंड यस, अभी थोड़ा मतलब हम लोगों को शॉपिंग पे जाना है फैमिली के साथ, मम्मी के साथ नहीं, दीदी एंड मेरा आंटी भी आई हुई है और कज़िन ब्रदर, उनके साथ थोड़ा शॉपिंग पे जाना है. तो उसके लिए सबसे पहले मैं अभी नहाती हूँ, नहा के खाना वाना का ब्रेकफास्ट तो मैंने कर लिया है, तो लंच नहीं किया है, ब्रेकफास्ट किया है. वहाँ पे बेटी को पढ़ा रही है, बहन बच्ची को पढ़ा रही है, तो थोड़ा नहा लेते हैं. और नहाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, मेरा हेयर तो देख ही सकते होंगे. सो यस, मैं अच्छे से बताती हूँ नहाने से पहले. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. बस आप लोग देख सकते हैं मेरा हेयर अभी कितना रफ एंड ड्राई हो गया है. आप लोग देख सकते हैं बाइक चलाते चलाते हेयर का हालत ऐसे हो जाते हैं, तो उसका सोल्यूशन मैं अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को. उसके लिए हेयर स्मूथनिंग के लिए ऑब्वियसली हम लोग घर पे भी यूज़ कर सकते हैं, DIY यूज़ जैसे यूज़ करते हैं, ऐसे हम लोग कार्ट और कुछ ऐसे यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है. जो कैरेटिन एंड स्मूथनिंग शैम्पूस हम लोग यूज़ करते हैं उसमें टॉक्सिक केमिकल्स रहता है, बट नाउ विथ मामा अर्थ कर्ड स्मूथनिंग शैम्पू एंड कंडीशनर यू कैन गेट स्मूथ हेयर नेचुरली. और DIY में तो बस हम लोग कार्ड ही यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें कैरेटिन नहीं मिलने वाला, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है मामा अर्थ का कर्ड स्मूथनिंग डुओ विथ कर्ड एंड कैरेटिन विच गिव्स अप टू 9x स्मूथर हेयर इन जस्ट वन वॉश बिकॉज इट हैज़ द गुडनेस ऑफ कर्ड विच इज़ नेचुरल कंडीशनर एंड बेनिफिट ऑफ कैरेटिन विच इज़ द की इन्ग्रीडियंट्स टू गिव स्मूथ हेयर. शैम्पू एंड कंडीशनर इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल टॉक्सिन एंड इवन कैरेटिन इज डिराइव फ्रॉम प्लांट. दिस शैम्पू एंड कंडीशनर गिव्स 100% स्मूथर एंड ऑल्सो गिव्स 5x शाइनियर एंड सॉफ्टर हेयर. और ये मेड सेफ सर्टिफाइड है एंड यू कैन सी द रिजल्ट, पहले से कितना सॉफ्ट एंड स्मूथ हो गया है और मेरा ये 4 फिंगर इजीली पास हो जाते हैं. सो गाइस, मामा अर्थ का एक प्लान गुडनेस इनिशिएटिव है. जब भी आप लोग मामा अर्थ का प्रोडक्ट परचेस करते हैं, मामा अर्थ आपको एक ट्री का साथ लिंक कर देंगे. बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 मिलियन ट्रीज एज पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव. और मामा अर्थ का प्रोडक्ट आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका सब में अवेलेबल मिल जाएगा. और अगर मेरा कूपन कोड यूज करते हैं पूनम 2023 तो 20% डिस्काउंट मिल जाएगा. और गाइस, मामा अर्थ का प्रोडक्ट आजकल हर स्टोर पे ही अवेलेबल मिल जाएगा, सो आप लोग वहां से जाके भी खरीद सकते हैं. सबसे पहले हम लोग आए हैं अभी सेंट्रल मॉल, फिर यहाँ पे भैया का वो देखना है, क्या बोलते हैं, वॉच देखना है उसको. सो या हम देखते हैं. इतना डर डर के आए थे हम लोग, थैंक गॉड हम लोगों के साथ नहीं हुआ ऐसा, लिफ्ट में कोई फंस गया है अंदर, थैंक गॉड हम लोग पैसे डर डर के आए थे. ये है मेरा आज का आउटफिट, ये था देखो यहाँ पे ही देख लो. और अभी हम लोग पार्किंग लॉट पे फिर से जा रहे हैं. अभी यहाँ पे एक्चुअली भैया का वो वॉच ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ है उसका, सर्विस सेंटर पे, जी शॉप का सर्विस सेंटर पे जाना पड़ेगा. तो हम लोग अभी वहाँ पे जाएंगे, जो कि वो है उल्लूबाड़ी साइड में है बोला, तो हम लोग वहीं पे जाएंगे अभी. सो अभी हम लोग यहाँ पे आए हैं उल्लूबाड़ी MG सॉल्यूशन केशियो का वो उसमें है सर्विस सेंटर पे. तो
भैया का वॉच ठीक करना है तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। कहाँ पे है पता नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा शायद। अगर आप लोग भी कुछ केशियो का वो ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ सकते हैं। सभी हम लोग वॉच वो आपके रिपेयर करने के लिए लिया है हम लोगों ने, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम लोग खाने के लिए आए हैं थोड़ा बाहर। नीचे पे कुछ है, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने के लिए। तो भूख भी लग रहा है बहुत, लंच भी नहीं किया तो हम लोगों ने लंच भी नहीं किया, और लंच हाँ ब्रेकफास्ट किया था बस। कैसा लगा? सो गाइस हम लोग ये उलूबाड़ी ब्रिज का, उलूबाड़ी ब्रिज ये हम लोग फुट ब्रिज का ऊपर से आ रहे थे, तो वहाँ पे मतलब पोटी करके रखा है। ओह माय गॉड, ऐसे कौन करता है? ये आप लोग देख सकते हैं उलूबाड़ी ब्रिज का ऊपर। अगर हम लोग यहाँ से जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि यहाँ पे इतना पोटी करके रखा है। जितना भी लोग वहाँ से क्रॉस करके आए थे सब लोग वॉमिट कर रहे हैं, हम लोगों को भी वॉमिट लग गया है बहुत ज्यादा। कौन ऐसा करता है पता नहीं, और ये भैया पूरा हाथ ऐसे पकड़ पकड़ के चल रहा था, फिर वहाँ पे देखा तो इतना लोग मतलब पोटी करके रखा है। ओ माँ, सीरियसली अभी कैसे खाना खाऊंगा? अब एकदम दयन के नहीं भात तू खा मिट्टी आए तो देखी पहले कि नहीं खाओ खा बोले मन जाना। सो हम लोग आए हैं सिटी सेंटर, और यहाँ पे सब लोग बैग्स देख रहे लेने के लिए, बैग ले रहे हैं यहाँ पे। और मुझे भी कुछ सामान लेना था, कॉस्मेटिक का सामान एंड लेना था, तो वो ले लूंगी मैं अभी। आईब्रो और कुछ लेना है। क्या का है? फेसेस कैनेडा। कैसा है दिखाओ तो। ये होगा ना इसमें यहाँ पे मिल जाएगा ना। हाँ ये वाला चाहिए, ये वाला? हाँ ये वाला होगा क्या? और कुछ वाटर प्रूफ है क्या? हाँ वाटर प्रूफ है ना। ट्राई कर लगा के देखो, क्या ट्राई करके देखो। लगाया ही है अभी। आप कौन सा लगाया है? यही वाला ब्राउन वाला लगाया है। So guys, मैंने ये आईब्राउ पेंसिल ले लिया है। हाँ एक ही लेती हूँ अभी। 500 है इसका। 500 है? 499। तेरा 2000 का लिपस्टिक दिखाओ तो। 549 ठीक है उधर। कंप्यूटर वाले मैंने भी लगाया 2000 का लिपस्टिक, और ये देख सकते हैं 2000 का लिपस्टिक। इसलिए मेरा घर कैसा लग रहा है? क्या ले रहे हैं? पिंपल है बोला इसके, दिखाओ तो। क्या है? क्या है? ओ मॉइस्चराइजर। इतने बाल इतने फोन भी आ गया, फोन बज रहा है मम्मी का। सो ऐसे भी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, एंड मेरा मम्मी भी आई हुई है, देख सकते हैं इधर पे इतना गर्मी में ये क्या लेके रखा है पता नहीं। ठंडा लगी से नहीं गया? ठंडा बहुत लगी से। ओह माय गॉड, क्या क्या चल रहा है मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे नीचे एक
बैठ के क्या कर रही है पता नहीं, रील्स बना रही है शायद ने क्या कर रही है पता नहीं। और मेरा रूम का हालत बहुत ही ज्यादा गंदा है, मेसी हमेशा ऐसे रहता है। और नीचे में एक बच्चा ऐसे पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका बच्चा है, उठा के अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो लेके जाओ। और यहाँ पे क्या बन रहा है मैं दिखाती हूँ, और क्या बना रहा है ये मेरी दीदी, पॉर्क बना रही है, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगी अभी। सो गाइस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। टिल देन राइड सेफ, बी सेफ एंड बाय। जल्दी मैं राइड पे जा रही हूँ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।